आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। ये ऊंट आप देख सकते हैं, ये है कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना टांगे में बैठा हुआ है जो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सो आई एम कम बैक विद न्यू इन अदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान मोन्यूमेंट आए हुए हैं जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, और इसमें एक म्यूज़ियम भी है और बहुत कुछ है। तो आइए आज के व्लॉग में देखते हैं कि मोन्यूमेंट कैसा है और कितना खूबसूरत है। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए, ये ऊँट आप देख सकते हैं। मैंने रियल में इतनी करीब से ऊँट नहीं देखे थे, आज पहली बार देख रहा हूँ ऊँट। बहुत ही क्यूट लग रहा है। और यहाँ से हमको टिकट लेनी होगी, तो आइए टिकट लेते हैं। तो भाई वो हमने टिकट ले लिया है, अब अंदर जाते हैं। तो गेट से अंदर आने के बाद हमें कुछ ये देखने को मिलता है। अब इसे आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, आइए साथ में देखते हैं। आगे सीढ़िया है, चढ़ते हैं सीढ़ियों पर। और ये म्यूजियम है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर चलते हैं। चढ़ने के बाद हमें बहुत से फोटोग्राफर यहाँ पर मिलते हैं। तो भाइयों ये चेक करें, होए मेरा बैकग्राउंड चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है। और ये पिक्चर लेते हुए ये फ्रंट है, बिल्कुल फ्रंट। तो करीब से आने के बाद हमें एक जंगल सा मिलता है और इसके चारों ओर लगा हुआ है कुछ स्टार शेप्स जैसी बनी है, स्टार शेप्स की। और ये गोल, इसमें सिंगे मरमर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये पाइप भी है, यहाँ पर फुहारों की शक्ल में ये पानी पहुँचाता है। और ये शायर मिश्रिक अलामा इकबाल की पिक्चर है जो कि पत्थर में बनाई गई है। और ये एक किला है, किले बली सारे या कौन सा किला है मुझे पता नहीं, कुछ तस्वीरें बनाई गई है यहाँ पर, चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत बारीकी से काम किया गया है, इसमें कायद अजम और फातमा पत्थर में बनाई गई है, तो वो भी देखने के। ये चेक करें, ये चेक करें, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरे जगह पर घोड़े ऊंट और कुछ आदमी है यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो भी देख लीजिए। ये है, ये चेक करें, ये ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ये फैसल मस्जिद है, फैसल मस्जिद भी बनाया हुआ है, इधर पत्थर में बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। ये कौन सी जगह है मुझे पता नहीं, ये चेक करें आप, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। ये सिपाही है, शायद तीन सिपाही है जो घोड़े को दौड़ा रहे हैं। और ये दो सिपाही है, और ये किला है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए बहुत ही बारीकी से काम हुआ है इसमें, बहुत ही बारीकी से। अब थोड़ा इधर उधर चलते हैं, इधर उधर देखते हैं कि इसके पीछे या इसके राइट लेफ्ट में क्या है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो आइए क्या देखने को मिलता है। यहाँ से हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की व्यू देखने को मिलती है, जैसे फैसल मस्जिद और सेंट ऑरेंस। वो है सेंट ऑरेंस जो आप देख रहे हैं, सेंट ऑरेंस मॉल है ये। और इसके पीछे मुझे फैसल मस्जिद देखने को मिल रहा है, आपको दिखाई देता है। और ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। वीडियो में मज़ा आ रहा होगा तो लाइक दबा दीजिएगा। इसके लेफ्ट साइड में एक गार्डन है जो आप देख रहे हो, ये इसकी सफाई चल रही है, इसकी साफ़ सफाई चल रही है। ये गार्डन है, देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल ग्रीन है।
ये कांटों वाले पौधे हैं जिसमें बहुत सारे कांटे हैं। ये है मोहम्मद इब्राहिम की और इश्तियाक शाह फैजाद की है, ताहिर महमूद, अब्दुल रऊ, मोहम्मद इलियास। ये बहुत से ये हथेलियों के निशान यहाँ पर बनाए गए हैं। अब थोड़ा नीचे उतरते हैं, गार्डन में घूमते हैं और गार्डन का माहौल देखते हैं कि कैसा है। और ये है अजायब घर, यादगार पाकिस्तान अजायब घर है। और इसके फ्रंट में ये है, ये है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, टांगे में बैठा हुआ है। यहाँ इर्द गिर्द सब जगह फूल पौधे, खूबसूरत खूबसूरत दरख्ते लगे हुए हैं। अजायब घर का जो व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, तो नेक्स्ट डे का वेट कीजिए और अजायब घर की वीडियो ज़रूर देखिए। मैं यू होप करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं एक खूबसूरत और अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।